सुप्रभात बच्चों, कक्षा की विषय है पाठ 5 व्याकरण। आज हम ग्रामर देखने वाले हैं बच्चों। तृतीय कक्षा विषय हिंदी पाठ 5 वचन। वचन का मतलब क्या है? वचन जो शब्द एक होने का या अनेक होने का बोध कराता है। जो शब्द एक या अनेक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं वचन। वचन जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। अब हमने वचन की व्याख्या देखी कि जिस शब्द से हमें एक या अनेक होने का बोध, एक यानी क्वांटिटी मात्रा है, संख्या इसमें मात्रा है, क्वांटिटी है संख्या को ज्यादा महत्व दिया है। एक संख्या है या एक है या ज्यादा है, तो मात्राओं को ज्यादा विशेष महत्व दिया है। तो वचन की व्याख्या क्या है? जिस शब्द से हमें एक या अनेक होने का बोध होता है तो उसे कहते हैं वचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो शब्द एक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं एक वचन। जो शब्द एक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं एक वचन। और जो शब्द अनेक होने का बोध कराता है, जो शब्द अनेक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं बहुवचन। देखिए वचन की व्याख्या हमने क्या लिखी है कि जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन की व्याख्या क्या है कि जो शब्द एक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं एक वचन, और जो शब्द अनेक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं बहुवचन। अब हम एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची देखने वाले हैं। एक वचन और बहुवचन। एक वचन से बहुवचन करते समय अलग अलग प्रत्ययों को जोड़कर हम एक वचन से बहुवचन परिवर्तित करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बच्चा, एक बच्चा है तो एक वचन की सूची में, बहुत ज्यादा बच्चे होते तो बहुवचन की सूची में आ गया बच्चे। तो देखिए बच्चा बच्चे यहाँ पे लगी एक ही मात्रा, एक ही मात्रा जोड़कर बच्चा से बच्चे। इसके बाद लड़का लड़के, कपड़ा कपड़े, रुपया रुपये, दरवाजा दरवाजे, भाला भाले। इस तरह से आप एक ही मात्रा लगाकर एकवचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हमने देखा बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के, दरवाजा दरवाजे, भाला भाले। इस तरह से एक ही मात्रा लगाकर हमने क्या किया, एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित किया। यह हो गई एक ही मात्रा। अब हम जिन शब्दों में अस्वर सुनाई देता है अस्वर से ए में किस तरह से परिवर्तित करते हैं एक वचन से बहुवचन।
बहुवचन को परिवर्तित कर देना है। अभी देखिए कविता, पहला शब्द क्या है? कविता, कविताएं, कविता कविताएं। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। माला, मालाएं। सेना, सेनाएं। कई सारे शब्दों में तो एक वचन से बहुवचन परिवर्तित कर, इसमें बहुत शब्द ऐसे ही होंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो उदाहरण के तौर पे ऐसे शब्द है अध्यापक, अध्यापक। तालाब एक वचन शब्द, बहुवचन में तालाब भी आएगा। शेर, शेर, शेरे नहीं होगा। पेड़, पेड़। कुछ शब्द में कोई भी मात्रा नहीं लगती, वह शब्द एक वचन में भी वही रहता है और बहुवचन में भी वही रहता है। तो ए मात्रा लगा के हम कौन से शब्द देखिए, जैसे कि कविता, कविताएं। अध्यापक, अध्यापक ही रहेगा। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सेना, सेनाएं। माला, मालाएं। कथा, कथाएं। कविता, कविताएं। दवा, दवाई। लेखिका, लेखिका। इस तरह से एक मात्रा लगाकर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित हमने कर दिया। अब देखना है इया, इया प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन कैसे किया जाता है। जैसे कि नदी, नदी, नदियां, नदी, नदियां। इया प्रत्यय लग गया है हमें। उसके बाद गाड़ी, गाड़ियां, गाड़ी, गाड़ियां। पत्ती, पत्तियां। चलो भी किया गया। ऐसे कई सारे शब्द देखिए, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ियां। पत्ती, पत्तियां। साड़ी, साड़ियां। नारी, नारियां। रस्सी, रस्सियां। चिट्ठी, चिट्ठियां। तो हमने कई सारे प्रत्यय लगाकर आज एक वचन से बहुवचन में हमने परिवर्तन कर दिया है। तो देखिए आज हमने क्या देखा, वचन। वचन की व्याख्या क्या है? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है। वचन की व्याख्या क्या है? जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन जो शब्द एक होने का बोध कराता है, फिर वो वस्तु हो या व्यक्ति हो, एक है ऐसा बोध कराता है, उसे कहते हैं एक वचन। और जिस शब्द से अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं बहुवचन। तो आज हम एक वचन शब्दों की सूची यहाँ पे देखते हैं। बच्चा, लड़का, कपड़ा, बहन, पुस्तक, नाम। जो एक है वो सारे एक वचन की सूची में, और जो एक से ज्यादा है मात्रा में वो सारे बहुवचन की सूची में। जैसे कि बच्चे, लड़के, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। बने, पुस्तक, पुस्तके। नाम, नावे। इस तरह से। तो एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करते समय हम अलग अलग प्रत्यय लगाते हैं। जैसे कि एक प्रत्यय लगाकर बच्चा, बच्चे, लड़का, लड़के, कपड़ा, कपड़े। एक प्रत्यय लग गया। रुपया, रुपए। दरवाजा, दरवाजे। भाला, भाले। एक प्रत्यय लगाकर। इसके बाद जिन
पठाएं, ये एक प्रत्यय लगा। इसके बाद किया प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन देखेंगे। जैसे कि नदी है शब्द, नदियां, गाड़ी गाड़ियां, पति पत्नियां, साड़ी साड़ियां, नारी नारियां, रस्सी रस्सियां, मक्खी मक्खियां, चिट्ठी चिट्ठियां। इस तरह से आज हमने क्या देखा, वचन का मतलब कि जिस शब्द से हमें एक या अधिक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। हिंदी में वचन के दो भेद हैं। पहला भेद है एक वचन, जिस शब्द से हमें एक होने का पता चलता है या जिस शब्द से हमें एक होने का, वस्तु के एक होने का या व्यक्ति के एक होने का बोध होता है उसे कहते हैं एक वचन। और जिस शब्द से हमें वस्तु या व्यक्ति के अनेक होने का बोध होता है तो उसे कहते हैं बहुवचन। अब एक वचन की सूची जैसे कि बच्चा, लड़का, कपड़ा, बहन, पुस्तक, नाम, और अनेक वचन यानी बहुवचन, बच्चे, लड़के, कपड़े, बहने, पुस्तके, नावे, इस तरह से। तो अब हमने एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के लिए पहले ए मात्रा देखी, जैसे कि बच्चा बच्चे, कपड़ा कपड़े, लड़का लड़के। उसी तरह से उसके बाद में अ स्वर से ए में कैसे परिवर्तन होता है, जैसे कि वाहन वाहन, पुस्तक पुस्तके, गाय गाय, नाव नावे, किताब किताबे, चप्पल चप्पले, स्वर से ए। उसके बाद सिर्फ ए मात्रा में किस तरह से परिवर्तन किया जाता है, कविता कविताएं, अध्यापिका अध्यापिकाएं, माला मालाएं, दवा दवाएं, कथा कथाएं, लेखिका लेखिकाएं। और उसके बाद हमने क्या देखा कि किया प्रत्यय लगा, जैसे कि नदी नदियां, गाड़ी गाड़ियां, रस्सी रस्सियां, पति पत्तियां, मक्खी मक्खियां, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ियां, चिट्ठी चिट्ठियां, नारी नारियां। कई सारे ऐसे शब्द हैं जिसमें हमने अलग अलग प्रत्यय लगाकर एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर दिया। तो बच्चों आपको वचन का मतलब क्या है, वचन का मतलब लिखना है, वचन की डेफिनेशन, वचन की व्याख्या क्या है, जिस शब्द से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे कहते हैं वचन। हिंदी में वचन के दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। जो शब्द एक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं एक वचन शब्द, और जो शब्द अनेक होने का बोध कराता है उसे कहते हैं बहुवचन। उसके बाद हमें एक वचन और बहुवचन शब्दों की सूची बनानी है। तो बच्चों आज हमने पाठ वचन यहाँ पे बोध किया है, और उसमें अलग अलग मात्राएं लगाकर एक वचन से बहुवचन में हमने इसे रूपांतरित कर दिया है। जैसे कि ए मात्रा सिर्फ ए, और इया मात्रा। तो आपको करना क्या है, तो आज जो शब्द हमने नहीं देखे ऐसे शब्दों की भी सूची आप बना सकते हो, और उसको एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हो। जैसे कि लड़की लड़कियाँ, तितली तितलियां, किया मोमबत्ती मोमबत्तियां, ए मात्रा से लेकर आप अलग अलग बना सकते हो, किताब किताबे, नाव नावे, गाय गाय, चप्पल चप्पले। फिर इया लगाकर बना सकते हो, नदी नदियां, गाड़ी गाड़ियां, नारी नारियां, अलग अलग शब्द। तो बच्चों आपको वचन का मतलब पता चल गया है, तो वचन की व्याख्या जरूर लिखिएगा, वचन के दो भेद उनकी व्याख्या जरूर लिखिएगा, जरूर उसे पढ़िएगा। उसके बाद आपको घर पे क्या करना है, एक वचन शब्द की सूची और बहुवचन शब्द की सूची बनानी, और इसका आपको सराहना करना है।